शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इन बी न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। देश में कोरोना वायरस के कारण लंबा लॉकडाउन चला लेकिन अब जैसे तैसे इससे राहत मिली है अब लोगों को महंगाई का फटका झेलना पड़ रहा है अब जो है पेट्रोल और डीजल के दाम आठ ही दिनों में बढ़ चुके हैं इस दौरान इनकी कीमत करीब करीब चार रुपए लीटर तक बढ़ गई जो एक आम आदमी के लिए बड़ी बात है लॉकडाउन के चलते सारी गतिविधियां रुकने से पहले ही पैसों के लाले पड़े हुए है उस पर रोज बढ़ रहे ईंधन की कीमतें आग में घिडालने का काम कर रही है कीमतें इस तरह से बढ़ती रही तो एक बार फिर महंगाई की आग भड़कने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता देश की तेल कंपनियों ने लंबे समय तक चुप्पी सारे रखने के बाद एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी शुरू कर दी है पिछले सात दिनों की बात करें तो शहर में पेट्रोल के भाव तीन रूपए प्रति लीटर और डीजल में तीन रूपए अठासी रूपए प्रति लीटर का इजाफा हो चुका है जबकि पिछले दिनों लॉकडाउन के चलते ब्रैंड क्रूड 20 डॉलर के नीचे आ गया था जिससे तेल कंपनियों को बेहद सस्ते में क्रूड खरीदने का मौका मिला उसके बाद भी आखिर कोरोना संकट के बीच ग्राहकों को क्यों राहत नहीं मिल रही है शहर में रविवार को पेट्रोल की कीमत तिरासी रुपए इक्कीस पैसे और डीजल तिहत्तर रुपए बीस पैसे प्रति लीटर बिका कैमरा पर्सन राजकुमार बोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट इन न्यूज नागपुर